स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिशी शर्मा आज आपके लिए एक बहुत सुंदर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर है बनाने में भी उतना ही आसान है। ये चार चार के बंडी भर में फंदे डलते हैं और दो दो साइडों में एक्स्ट्रा है, और इसमें चार चार फंदे डाल के एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखना है। और ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको ये डिजाइन आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कारीगर में, बड़ों के स्वेटर में, बफर में, आप जहाँ भी इसको अप्लाई करना चाहो आप इसको कर सकते हो। मैं अभी आप ये डिजाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरा ये डिजाइन आपको पसंद आता है प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल का बटन दबा के ऑल का भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास आए, ये आप देख सको, आप उसको अच्छी तरह देख सको। ये पहला फंदा हमने पीछे से लेके इसको सीधा बुन लिया, और एक फंदा हमने ये उल्टा बना लिया। अब ये एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है, फिर तीन फंदे हमने सीधे बुन लेने, एक दो तीन, इसको हमने स्लिप कर लिया, वैसे उतार लिया बिना बुने, एक दो तीन, इसको भाई तीसरे को हमने स्लिप, चौथे को स्लिप कर लिया, तीन फंदे हमने बुन लिए, एक दो और तीन, इसको स्लिप कर लिया, एक दो और तीन, इसको हमने स्लिप कर लिया, चौथे को हमने स्लिप करना, तीन फंदे हमने बुनाई करनी है, तीन बंदे हमने बुनाई करने हैं, और चौथा हमने स्लिप करना बिना बुने उतार लिया। फिर हमने एक दो तीन, तीन, फिर हमने चौथा उतार लिया, एक दो तीन, और इसको स्लिप कर लिया। अब ये दो लास्ट वाले, इसको हमने एक उल्टा बनाया और एक हमने सीधा बनाया, और ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई। इसको पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, फिर एक जो हमने फंदा स्लिप किया था उसको हमने वैसे ही स्लिप करके उतार लेना, तीन फंदे हमने बुनाई करने हैं उल्टी सिलाई में भी। ये सीधा उतार लिया, एक दो तीन, चौथा हमने जो स्लिप किया था उसको हमने फिर स्लिप कर लिया बिना बुने उतार लिया, दो तीन, ये चौथा फंदा बिना बुने उतारा, एक दो तीन, इसको 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 बिना बुने उतारा, और इसको हमने बुन लिया। जो उल्टी सिलाई में हमारा लास्ट फंदा आएगा इसको हमने ऐसे ही स्लिप करना है। उसे चलो कुछ नहीं हो रहा। अब जो हमने स्लिप किया था उसको हमने पीछे से बैक से ऐसे बुनाई करनी है, और ये हमारा उल्टा ही आएगा। इसको हम अब अगली सिलाई चौथी सिलाई है, ये सीधा एक उल्टा, ये सारी सिलाई हमारी एक सीधा और एक उल्टा चलेगा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही चलेगा। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा ये उल्टा, ये उल्टा ये सीधा, ये उल्टा, एक सीधा ये उल्टा, इधर रखो हाथ जिथे आओ उन दी लाइन गई है, हाँ, ये एक सीधा ये उल्टा,
ये सीधा उल्टा, ये जैसे बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही एक सीधा एक उल्टा इसको बनाना हमने। ये उल्टा और साइड वाला हमारा सीधा, अब हमारी सिलाई उल्टी आ गई। उल्टी सिलाई में इस बार हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, अब ये सारी सिलाई हमारी प्लेन उल्टी ही चलेगी ऐसे, ये सारी सिलाई हमारी उल्टी चलेगी। ये उल्टी, ये लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे ही स्लिप करना है। अब हमने इसको पीछे से बैक से ऐसे बुनाई करनी है और एक उल्टा आ जाएगा, फिर धागा पीछे किया। पहले हमने पहला फंदा स्लिप किया था, अब हमने दो सीधे बुनकर स्लिप करना है, फिर तीन, एक दो और तीन, फिर स्लिप करना चौथा फंदा स्लिप, एक दो तीन, चौथा फंदा हमने बिना मुड़े उतार लिया, एक दो तीन, चौथा फिर बिना मुड़े उतारा, एक दो तीन, ये बिना मुड़े उतार लिया, एक दो तीन, चौथा बिना मुड़े उतारा, एक दो तीन, चौथा बिना बुने उतारा, लास्ट में हमारे दो बच गए, एक और दो, शैडो वाला एक उल्टा और ये हमारा सीधा आएगा। अब इसमें उल्टी सिलाई हमारी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा बुना, अब दो और बुने, बुनाई करके ये स्लिप वाला फंदा आ गया, इसको स्लिप करना, तीन फंदे फिर हमने बुनाई करनी है, दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, चौथे को स्लिप किया, एक दो तीन, चौथे को स्लिप किया, एक दो तीन, चौथे को स्लिप किया, एक दो तीन, इसको हमने लास्ट वाले को उल्टी, हर उल्टी सिलाई में लास्ट वाले को हमने स्लिप करना है। जब बुनाई शुरू करनी है इसको पीछे से बुना के लाना है ऐसे, इसको पीछे से बुनाई करनी है ऐसे, फिर हमने एक उल्टा बनाना है। अब ये सिलाई हमारी एक सीधी एक उल्टी एक सीधा एक उल्टा, ये सिलाई हमारी सारी ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा,
उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ये है सारी सिलाई जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ऐसे चलेगी। अब उल्टी सिलाई, इसमें हम उल्टी रो भी आ गए। ये चार सिलाइयों का डिजाइन है और चार ही फंदों का डिजाइन है। चार जैसे हम स्वेटर में डालना है, चार इसको चार के बड्डी पर में डालकर एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखना है। दो दो फंदे हमारे साइडों में आ जाएंगे, बाकी आप बॉर्डर अपने हिसाब से बना लेना। देखो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी, लास्ट वाला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब हमारी फिर ऐसे ही इसको पीछे से बुनाई करनी है और ये इसको उल्टा। अब हमने फिर इसको पहले को स्लिप करना है, फिर तीन बनाने हैं, फिर इसको स्लिप करना है, फिर हमने तीन बनाने हैं, स्लिप चौथे को स्लिप करना, तीन बनाई, तीन को हमने बुनाई करनी है। इसको स्लिप किया, इसको फिर हमने तीन बना लिया, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, तीन हमने फिर बना, एक दो तीन स्लिप किया, एक दो तीन लास्ट वाला स्लिप किया और ये दो हमारे लास्ट वाले, एक उल्टा बुना और एक सीधा बुना। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई, इसको हमने पहला बिना बुने उतारा, दूसरा बुनाया, ये स्लिप वाला फंदा आ गया, इसको स्लिप किया, फिर हमने तीन दो तीन बुनाए उल्टे, चौथे को स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, एक दो तीन, स्लिप किया, इसको स्लिप किया, इसको लास्ट वाले को फिर हमने स्लिप किया। अब इसके ऊपर पीछे से हमने बुनाई करनी है ऐसे और ये उल्टा, फिर हमने एक सीधा और एक उल्टा, सीधा उल्टा, बस सीधे उल्टे सिलाई डाल के उल्टी सिलाई हमारी प्लेन आएगी। इसके बाद हमने जो पैटर्न है वो चेंज करना होता है, चार सिलाइयों का ये डिजाइन है। ये हमारी सिलाई पूरी होगी। लास्ट वाले दो उल्टे और सीधा
अब ये सिलाई हमारी सारी उल्टी चलेगी। ये उल्टी चलेगी, लास्ट वाला हमने स्लिप करना। अब देखो हमारी चार सिलाइयाँ मैंने आपके साथ शेयर की है। अब ये फंदा पीछे से बनाना है, इसको उल्टा बनाना है। एक बार हमने ये पहला फंदा स्लिप करके आगे से डिजाइन करना है, फिर अगला डिजाइन दो फंदे डाल के इसको स्लिप करके फिर हमने